नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पोखरियाल। चलिए ले चलते हैं आपको जसपुर की ओर। एंकर पूर्व आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह जसपुर अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जसपुर की सीमा पर जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली मेन बाजार से होते हुए जसपुर पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज प्राणगत में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रैली के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को युवा किसान कार्यकर्ताओं कॉलेज का विरोध किया। प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं पाई। किसानों द्वारा काले झंडे दिखाए जाने पर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और विरोध किसान कार्यकर्ताओं प्रदेश अध्यक्ष रैली के काफिले से खेलते हुए ले गए। लेकिन किसान विरोधी बिल वापस लो के नारों के साथ अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा की रिपोर्ट। धन्यवाद। किसान है, यूनियन भी नहीं है, ज्यादातर किसान खुद किसी सरकार से किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते। खुद किसान, युवा किसान आया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की आंखें खोलने आया है कि उत्तराखंड में रैलियां मत करो। जहां हजारों लाखों किसान बैठे हैं वहां पहुंच के रैलियां करें आप। वहां जो किसान ठंड में बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके हमारी माताएं बैठी हुई हैं, वहां पहुंचे। माताएं बहनें सब वहां हमारी पहुंची हुई हैं। यहां पे ये ड्रामा कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, गुमराह कर रहे हैं हमारे सब किसान भाइयों को, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी जनता को पता नहीं कि इसका क्या असर होगा सारी जनता का।